2016 के रिजल्ट के बेसिस पे नहीं। तो वो बात ठीक है कि हाँ बीजेपी ने तो यहाँ सीट जीता था, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी पावर में है सेंटर में, और सेंटर के जो जितने सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनके हाथ में है। तो अगर सीपीएम, क्योंकि मेन यहाँ पे अपोजिशन देखा जाए 2016 की तरह से तो सीपीएम है और साथ में कांग्रेस है, तो हुआ यह है कि सीपीएम और कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो शिफ्ट कर गया बीजेपी की तरफ 2019 के चुनाव में। लेकिन 2019 के चुनाव में एक ठीक और है, पता वो ये कि ठीक है तृणमूल का भी वोट शेयर बढ़ा था, तृणमूल का वोट शेयर घटा नहीं था। भले ही जी, बीजेपी ने अपना अपना वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन तृणमूल का भी 4% वोट शेयर बढ़ा था। ये 2019 के रिजल्ट के हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ। अब आपको ये देखना है कि 2019 में मैम पार्लियामेंट का इलेक्शन होता था, अभी जो है स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है। तो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट ममता बनर्जी है तृणमूल से, बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है? बीजेपी का कैंप जो है वो डिवाइडेड है, पुराने बीजेपी कर्मचारी, आरएसएस वाले बीजेपी कर्मचारी और तृणमूल बीजेपी कर्मचारी। ठीक अब जो है है वो कौशिक ऐसा जी, हो गया है कि एक हम आपकी कोई बात जरूर असली सुनेंगे, लेकिन तृणमूल देखिए है और तस्वीरें एक इस वक्त नकली थोड़ी सी तृणमूल। बता दें, और उसके बाद फिर जफर असलाम के पास पहुंचते हैं। ये बंगाल के दौरे पर अमित शाह कोलकाता में श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम में हैं। आपने इससे पहले तस्वीर देखी स्वामी विवेकानंद की।